बीजेपी का एक समर्थित विधायक है पुंडरी से रणधीर गोलन, 3 दिन हो गए उसकी जीरी को नहीं बिक्री, वो अभी कहां थे वो अभी भी कह दे मुख्यमंत्री जी मारी तो देखी जाएगी। हंस का टाल गए। कलकत्ता में सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में कई सारी बातें निकल कर आई। जो जनसंवाद पहले कैथल के जाट ग्राउंड में होना था, बारिश के कारण उसको कैथल के आईजी कॉलेज में शिफ्ट करना पड़ा। कैथल में सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम में कई फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम से पहले भारतीय किसान यूनियन और आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। वहीं कैथल में 70 दिन से धरने पर बैठी आशा वर्करों को भी सीएम से मिलने का मौका मिला। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कैसा माहौल रहा खुद देखिए। केसाराम गांव प्योदा जिला कैथल। क्या समस्या रखी सीएम साहब? आज जैसे पूरे कैथल जिले में ये सूचना थी कि आज मुख्यमंत्री जी कैथल आ रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री जनसंवाद का नाम से कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं कि कैथल जिले के जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं बताए और उसी संदर्भ में हम भी अपनी समस्याओं को लेकर कैथल में आए थे। जैसे मंडी के जाम की थी उसके लिए नहर की पटड़ी है जो सिरसा ब्रांच नहर है और नेशनल हाईवे से लेकर चंदाना गाँव तक वो पटड़ी पक्की की जाए जिससे मंडी में जाम की स्थिति लगभग खत्म हो जाएगी। दूसरा पुरानी मंडी है जो उसका छप्पर चूरा जिसे बारिश के मौसम में किसानों को खेत में भी बिक रही है और मंडी में भी लाने के बाद बिक रही है उसको पक्का करवाने की थी। और तीसरी एक समस्या थी बीजेपी का एक समर्थित विधायक है पुंडरी से रणधीर गोलन, 3 दिन हो गए उसकी जीरी को नहीं बिक रही, वो अभी कहां थे वो अभी भी कह दे मुख्यमंत्री जी मारी तो देखी जाएगी। क्या जवाब दिया टाल गए? नहर वाली पटड़ी का बिल्कुल सार्थक जवाब दिया और अंदर छप्पर वाली और जो रणधीर गोलन वाली थी वो हंस के टाल गए। और लेकिन आज जब हम देख रहे थे कि यहाँ पे अंदर जब जनसंवाद बेल ही हो तो आके देखा यहाँ पे केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग ही बैठे थे, आम जनता वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी। और हम भी कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि हमारे जो किसान साथी सुबह से कल से बोल रहे थे कि कल को जाएंगे जो बारिश के कारण या सरकार की कुनीतियों के कारण जो धान है वो नहीं बिक्री, मंडी में सड़न लग रही है, ऊपर से मौसम खराब है, खेत वाली भी बारिश के कारण खराब हो रही है और मंडी वाली जो बारिश हो रही है उसके कारण और सरकार की कुनीतियों के कारण खराब हो रही है, उसकी नखरीद ना होने के कारण जो किसान परेशान उनकी समस्याओं को लेकर हमारे किसान भाई जो यहाँ पे आके समस्याएं सुना रहे जा रहे थे। या तो ये किसानों को की समस्या को समस्या नहीं मानते, अगर जनसंवाद रखा तो किसानों की समस्या को यहाँ सुनना था, हमारे किसान नेताओं को जो किसानों के अग्रणी उनको सुबह सुबह पुलिस से उठवाना ये निंदनीय सरकार का तानाशाही रवैया। सर मेरा नाम गुरुदेव सिंह है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, गाँव बाड़ू है मेरा। क्या समस्या सर? समस्या है मेरी गाँव के अंदर अवैध कब्जे हैं जिसमें जो सरपंच है जो गांव बाड़ू बिठान पट्टी का वो खुद कब्जाधारी है, उसका परिवार कब्जाधारी है। उसके लिए मैंने काफ़ी कई महीनों से मैं इसके बारे में डीसी साहब से या मुख्यमंत्री पटल पर भी कई जगह इसकी शिकायतें दूंगा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मेन कारण है जो वहां पर पंचायत अधिकारी हैं जैसे कानोगो है या वीडियो है वो आनाकानी करते हैं सर, क्योंकि उनसे लगता है वो मिले हुए हैं, क्योंकि वो जब भी उनके पास निशानदेही के लिए मैं कोई लेटर पत्र या किसी माध्यम से उनको भेजता हूँ तो वो मेरे से पैसे की मांग करते हैं, या तो आप अपने निशानदेही के लिए मशीन प्रोवाइड कराएं या फिर उसका खर्चा हमें दें। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक पंचायती और समलत ज़मीन को छुटवाने के भरसक प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, वो इससे पता लगता है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कब्जाधारियों के साथ मिले हुए हैं। सीएम साहब ने क्या जब मैंने सीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा, उसने आश्वासन दिया कि हम आपने पहले भी कभी मैंने कहा जी सर मैंने बहुत शिकायतें दी हैं और बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको इस पर बहुत जल्दी और अच्छी तरह से कार्रवाई करूंगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। देखो जी संतुष्टिजनक चुनाव है, बाकी देखते हैं कार्रवाई क्या होती है वो तो उस बाद में पता चलेगा। मुख्यमंत्री का आज जनसंवाद है, पहला जाट कॉलेज में था, आई जी कॉलेज में, और उसके आने से पहले ही धान के रेट 400 रुपये गिर चुके हैं, जिसका रेट 2203 रुपये था, आज 1800-1900। लेकिन पहली बात तो गाका गुण तीनों मंडियों में, और डीएपी लेने के लिए किसान को लाइन में लगना पड़ता है और एक किसान की तो डेथ हो चुकी है अटैक से। तो कैसा जनसंवाद है? मुख्यमंत्री को मंडी में जाना चाहिए, कभी जाट कॉलेज में, कभी आईजी कॉलेज में, कभी कहीं जगह बार बार जगह पलट रहे हैं, क्यों ऐसा कैसा डर है? तो मौसम खराब हो गया ना इसमें? नहीं, मौसम कुछ किसानों को तो अंदर कर लिया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को अंदर कर लिया। अब मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे भी धान का रेट कैसे गिरा, आज जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री से और अंदर जाएंगे। तो क्या दिक्कत हो रही है आपने? दिक्कत यह हो रही है भी जीरी का रेट नहीं है कहीं भी, मुख्यमंत्री ने जो युवा आज का खर्चा है सारा किसान ने जेब से ले लिया। तो पुलिस अरेस्ट करना है? पुलिस तो हमारे भाईचारा है पुलिस के साथ, तो ठीक है ये कर्मचारी अपने छोटे काम करेंगे जी। आज का जो हमारा कार्यक्रम था
हमें यहाँ बुलाया गया था जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अशोक जी, और उन्होंने बोला था कि हम आपकी यूनियन की मतलब दो साथी आ जाना और बातचीत रखवा देंगे मुख्यमंत्री जी के साथ। तो उन्होंने बातचीत करवाई है, ज्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन जितनी दो मिनट की बातचीत हो पाई है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में रही है। और उन्होंने बोला भी है कि आज आपका डेलीगेशन बुलाया गया है और आज आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। तो लगता है कुछ समाधान हो पाएगा? देखो समाधान तो आज गए, डेलीगेशन आज लेट तक पता चलेगा, लेकिन जो जिस हिसाब से यहाँ बातचीत हुई है तो हमें भी लग रहा है कि हो जाए शायद। तो जनसंवाद कार्यक्रम को सफल मानते हैं आज आप? सफल का तो देखो हमें तो अपना पता है आशाओं का कि आज जो बातचीत का रुख था वो इनका ठीक था और सुनी भी है बात। मेरा नाम मेनका है, मैं सह सचिव जिला आशा वर्कर यूनियन की सह सचिव हूँ गैथल से। तो जैसा कि आज हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री माननीय आए हैं, तो हमने अपनी यूनियन की तरफ से जैसा कि 70 दिन का प्रोटेस्ट चला हुआ था उसके बारे में उनको अवगत करवाया, जबकि उनकी नॉलेज में तो ऑलरेडी था। तो हमने उनके सामने अपनी डिमांड्स रखी, अपनी समस्याएं रखी, और मुख्यमंत्री साहब की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है कि आपके लिए जल्द ही कुछ अच्छा किया जाएगा। यही आशा और उम्मीद के साथ हम सब यहाँ पर आए थे और हमने अपना ज्ञापन उनको दिया। संजय जी, जनसंवाद में कैथल जी, प्रॉब्लम है जी, ये खट्टर साहब सबकी सुनवाई करेंगे। विषय जी ना तो पिल्सन बन रही जी, 5 साल हो गए इसकी जी, जेनेटिक बीमारी है इसका, दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मैंने सारी जगह दिखा लिया, ऑल इंडिया एम्स में आचार्य आचार्य डॉक्टर इस पर सर्च कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट घोषित कर दिया था, तो फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई सर्टिफिकेट बन रहा इनका। तो इसलिए गुजारिश है खट्टर साहब से कि इसका पेंशन बंद है, ये इसका लड़का है छोटा 8 साल का। मेरा नाम दर्शन सिंह है, मैं गांव चौसाड़ा से हूँ। नहीं, मैं सीएम साहब से मिलने नहीं आया था, मैं आज अपने कैथल जिला में मुख्यमंत्री के आगमन पर जनसंवाद कार्यक्रम को देखने आया था। और देखते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतों का निवारण किस प्रकार से करता है। तो मैंने वो यहाँ पर जो भी दृश्य देखा, मैंने कुछ इस प्रकार का लगा कि भाई कोई अधिकारी को कोई जवाबदेही नहीं थी यहाँ पर, और न कोई भी बाहर मैंने एक दो व्यक्ति और मिला जो शिकायत दे रहा था, तो मैंने उसमें भी ये नहीं देखा कि वो संतुष्ट है या नहीं है। चलो वो गर्म में बात है कि सीएम साहब ने जितनी भी लोगों की समस्याएं को लिया है, उन समस्याओं पर संज्ञान करके कितने व्यक्तियों से पूछेगा कि आपकी समस्या का निवारण हो चुका है या नहीं है। बहुत से लोग मिलने से वंचित भी रह गए हैं, वर्षा होने के कारण व्यवस्था को ठीक ढंग से प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए। मेरे अनुसार तो जो ये जनसंवाद कार्यक्रम किया गया है, ये जनसंवाद कार्यक्रम इस तरह से नहीं होता। एक बाई एक आदमी की जो भी समस्याएं होती है, उस संबंधित विभाग के मौके पर ही उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। और जनता बड़ी निराश है, हताश है, वर्षा से किसान भी हताश हैं, कहीं मंडियों पे अव्यवस्था है, सड़कों पे भी अव्यवस्था है, गांव और शहरों में अवैध कब्जे निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अधिकारी उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को ईमानदार ज़रूर कहते हैं लोग, लेकिन मुख्यमंत्री उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जिस तरह का उसने कार्य करना चाहिए था।